हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम देखते हैं। इस सर्किट डायग्राम में जब करंट स्टेडी स्टेट पर आ जाए तो आप लोगों को चार्ज बताना है बेटा। इसमें जब करंट स्टेडी पे आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए ये बातें कि आरसी सर्किट जब सिखाया जाता है राइट, तो उसमें कैपेसिटर वगैरह को स्टेडी स्टेट में हम लोग ओपन सर्किट की तरह लेते हैं राइट। अगर मैंने यहाँ पर स्टेडी स्टेट वर्ड यूज कर दिया है क्योंकि उससे ये पूरी तरह चार्ज हो चुका होगा और इसके अक्रॉस अब पोटेंशियल डिफरेंस ही रह जाएगा, बस करंट जाना बंद कर देगा। इसका मतलब क्या है, अगर सर्किट को दोबारा बनाने की कोशिश की जाएगी तो एक बैटरी आएगी और सबसे ऊपर आएगा आर और यहाँ पे एक ओपन सर्किट बन जाएगा और ये हो जाएगा आर वन। प्रैक्टिकली से कोई मीनिंग नहीं बचा है क्योंकि ब्रांच ही यहाँ से ओपन हो गई और आपके पास एक बच्चों आर टू का टर्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ध्यान दो, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव और इसको अपन ने ई बोला। अगर मैं यहाँ से करंट पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, इट शुड बी नेट ईएमएफ राइट, इट शुड बी नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय कितना आप लोगों के पास रेजिस्टेंस है। और याद रखना जो रेजिस्टेंस काम का है वही लिखना है। जैसे करंट अगर यहाँ फ्लो करेगा तो इसको और इसको कंसिडर में लेंगे अपन, तो हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू कैपिटल में ई आ रहा है और अपने हिसाब से आर प्लस एक आर टू का टर्म बन रहा है राइट। अगर अपन इस एंड को ए बुला ले और इस एंड को बी बुला ले तो यही जो अपने पास आई चलकर आ रहा है वो इधर तो जाने नहीं वाला, वो सीधा सीधा यहाँ से निकल जाएगा। तो ये भी आपके पास एक आई का टर्म बनेगा। तो यहाँ से अगर पोटेंशियल बोला जाए या पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाए या इसको वी ऑफ ए बी बोल सकते हो, इधर से इधर गए तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। आपको सिर्फ लिखना है वी इक्वल्स टू आई इंटू जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस एक्टिव है या बीच में जो फंस रहा रेजिस्टेंस, तो यहाँ हो जाएगा आपका आर टू। आई ऊपर से कॉपी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा E डिवाइड बाय R प्लस आर टू इंटू आर टू। ये हो गया आपका V का इक्वेशन। एग्जाम में डायरेक्ट आपको करंट लिखना है, V लिखना है और एट लास्ट आप लोगों से बच्चों यहाँ पे चार्ज मांगना है ठीक है। तो सोच के देखो ये जो दो टर्मिनल्स हैं एग्जैक्टली एक पोटेंशियल यहाँ पर होगा और एग्जैक्टली बी पोटेंशियल यहाँ पर होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए Q इक्वल्स टू C इंटू वी। तो पढ़ा होगा अपन ने, मैं सबस्क्रिप्ट में A और B और लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा C और V को यहाँ से अपन देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा C इंटू E डिवाइड बाय R प्लस R2 डॉट ऑफ R2। ये आपका चार्ज है और यही आपका आंसर है। तो C E R2 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से सही लग रहा है, C E R2 डिवाइड बाय R प्लस R2। प्रॉब्लम में इसका ध्यान रखना था अपन को कि स्टडी स्टेट पर ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट कहलाता है, तो करंट केवल यहाँ से मिलेगा ठीक है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला हम लोगों ने, उससे वी मिला, वी से अपन ने चार्ज बताया ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।